गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं सभी लोग और सभी का स्वागत है एफडी स्काई स्पोर्ट्स ग्रैंड स्लैम 2022 में ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर लोको गेमिंग पार्टनर लॉजिक टेक जी। मेरा नाम है गाइस गेम्स अटैक। मेरे साथ यहां पर जुड़ जाएंगे कास्टिंग डेस्क में स्पीरो एंड ग्रैंड फाइनल्स डे नंबर 5 स्पीरो। का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं क्योंकि बढ़ तो जरूर गए और ये शॉट बहुत उसके चलते यहाँ पर बात चीज नहीं खिलाड़ी दूसरी तरफ से टैप टैप मियो की तरफ से करा जाएगा सारंग स्टिल देयर जोनाथन अटैक करने की कोशिश प्रॉन्च आउट लेने की कोशिश सारंग की तरफ से बट जोनाथन अपने चिंग को प्रेशर बिल्ड करने वाले हैं गाड़ी का कवर जरूर मेरे लेकिन बिलीव आगे बढ़ेंगे मैं तो वो फर्स्ट चुकी है और नेट से उनको आप लाइटन अप कर सकते हैं टंकी को भी यहाँ पे स्पॉट करा जाता है शाडो के द्वारा अभी कहाँ से चल चलती है लेकिन जोनाथन यानी बगू फिर पता चल जाता और उसी जगह पर लेकिन करेगा जोन पेपर ये एक बड़ा सवाल सफल सा
लेकिन बाकी टीम्स किस प्रकार करेंगे, बट सैगी इस बार बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए अभी का जो फिलहाल के लिए शायद वो व्हीकल के बिल्कुल पास में है। और ये देखिए की तरफ से जो पेशेंस दिखाया जा रहा है वो बहुत कमाल का है। जनरली टीम ज्यादा रिस्क लेना पसंद करती है, बट यहाँ पर इसमें लेजर आएंगे क्या, यहाँ पे गिल कुछ मैजिक कर सकते हैं, एक और नॉक निकालते हैं, एक और नॉक निकालेंगे, बट पीटर्स बी द सेवियर फॉर टीम 100। खराब हो जाती है के बिना खेलना मुश्किल और को भी पर, मेरे ख्याल से मैक्सकस और साथ साथ उनके पूरे यहाँ पर अगर देखिए बाकी खिलाड़ी भी नजर आएंगे, लेकिन काफी दूरी कर ऊपर है नेक्सस, आपको फिर से वही बेहतरीन क्लच करके दिखाना पड़ेगा जो आपने पहले करके दिखाया था। अभी ग्रेड के चलते उन्होंने यहाँ पर एक नॉकआउट निकाला, दूसरा ऊपर स्काईलाइट्स वहां पर एनिमा गेमिंग की अगेंस्ट भी एक फाइट में एनवॉल्वमेंट देती हुई नजर आ रही है, एंड मुश्किल है फिलहाल के लिए बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आएगी, एंड देखते देखते यहाँ पर टीम एरिक्बा मुश्किल में आ चुकी है, लेकिन अभी तक उनके सारे खिलाड़ी फिनिश आउट नहीं। जी हाँ, फिनिश नहीं हुए, सोमराज को भी यहाँ पर नॉकडाउन कर दिया जाता है, टीम एनिग्मा वो भी पुश करने की कोशिश, सोमराज खत्म होने के बाद स्काईलाइट गेमिंग भी बैकफुट पे चल जाता है, गमला बॉय भी यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, न्यू प्लेयर आगे आने की कोशिश करते हैं, एनिग्मा के प्लेयर्स की एचपी काफी ज्यादा कम आपको नजर आ जाएगी, स्काईलाइट गेमिंग के पास एक अच्छा मौका यहाँ पे बनता है यहाँ पे जीत हासिल करने का, फिर देने की कोशिश, इसी के साथ न्यू प्लेयर खत्म करेंगे एनिग्मा के। देखना चाहूंगा मैं एक चीज को पॉइंट आउट करना चाहूंगा, बट अभी के लिए गॉडलाइक की बात कीजिए, व्हाट जस्ट हैपेंड, अभी के लिए गॉडलाइक सीधा दो प्लेयर्स के साथ यहाँ पे बचता है, जोनाथन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, एक जंप शॉट यहाँ पे जोनाथन के द्वारा दिया जाएगा, व्हाट इज हैपनिंग, टीम सोल भी रोटेशन का शिकार यहाँ पे बनते हुए, सोल के प्लेयर को यहाँ पे खत्म करा जाएगा, बट टीएसएम के द्वारा एंड टीएसएम भी काफी ज्यादा शॉट्स ले सकता है, यहाँ पे पूरा कर दिया जाएगा शॉट लेने की कोशिश, एक्सेप्ट यहाँ पे कम से कम देते हैं, बट सोल प्लेयर थी रिवाइवल के बाद आगे जाने की कोशिश, एक वन वी वन की फाइट को खत्म करेंगे टीम सोल, वो भी एलिमिनेट कर दी जाएगी, टीम नगेट इज हियर एंड टीम नगेट फाइनली खत्म करते हुए टीम सोल को, खुद भी खत्म हो जाएंगे मिलेगा यहाँ पर मात्र, बट अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी गेमिंग जो चाहिए था, जिसके लिए वो जानी जाती, जिस गेम के लिए वो जानी जाती, वो अब मुझे देखने को मिल पा रहा है यहाँ पर, सामने है कैमिन स्पोर्ट्स का चैलेंज, और जो मिस हुआ था एक्शन स्पेरो हमें इरेंगल में, वो अब मीरामार में देखने को मिल पा रहा है, कैमिन वर्सेस वेलोसिटी। जी हाँ, कैमिन वर्सेस वेलोसिटी, ये राइवलरी अब अलग लेवल पर जा चुकी है, अभी कुछ सेकंड पहले हमने देखा था चारों प्लेयर वीएलटी के जिंदा थे, अब सिर्फ एक ही प्लेयर यहाँ पे बच जाते हैं दोनों ही टीम के, लेकिन वो अन्य रिस्क भी उठाए यहाँ पर, लेकिन डेस्टो की बात की जाए कैमिन स्पोर्ट्स की अभी भी एक आखिरी उम्मीद बची हुई थी, मुझे पहले लगा था कि शायद 420 अभी टॉप 5 तक लेके जा सके, बट यहाँ पर अपने आपको एफपीपी सर्च करके भी टू क्लच करके निकाल के यहाँ पर लेके जाएंगे, लेकिन दूसरा पर स्काईलाइट और 8 बिट मैडमैन क्यों एमपीपी में की लिस्ट में ऊपर है वो यहाँ पर दर्शा रहे हैं, लेकिन अभी मैडमैन आपका काम खत्म है, क्योंकि प्लेयर न्यू प्लेयर आपके सामने है, दोनों प्रोन प्रोन हुए, किसी को नहीं पता कहाँ पर खिलाड़ी है, लेकिन प्यारा फिनिशेस है, एंड नीड है निंजा जोड़ के पास, स्काईलाइट गेमिंग बैकफुट पे जा सकते हैं, अच्छा निंजा पे जरूर आएगा, कनेक्शन भी यहाँ पे मिलेगा, कार को यहाँ पर नॉक करा जाता है निंजा अपने कैच ग्रेनेड से, बट न्यू प्लेयर क्या क्लच निकाल सकते हैं, अच्छा खासा डैमेज उनको भी यहाँ पे पड़ जाता है, ऊपर भेजा जा रहा है, बट एक डिनर विनर चिकन डिनर टीम सोलो मेड लेके जाती हुई।
बट अभी ही इज होल्डिंग डाउन टू हिज कंपोजर। यहाँ पे मौका ढूंढना पुकार है, आगे बढ़ेंगे एंड इसका पूरा फायदा उठाते हुए अभी उनको नॉक एंड इमीडिएट फिनिश। लेट्स के पास एक उजी रहेगा बट द ग्रेनेड डैमेज इज ब्रिलियंट। इमीडिएटली यूएमपी के इस्तेमाल से एक प्लेयर को नॉक करेंगे, दैट्स गोइंग टू बी क्लियर। आगे बढ़ेंगे कल कॉल और इसी बीच यहां पर एरिक बा वर्सेस टीएसएम की एक फाइट। जहां पर पहले अगर मैं बात करूं टीएसएम वर्सेस कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो चुके हैं, नियो भी आप स्लो डाउन होकर उतर जाएंगे अपनी गाड़ी से, इमीडिएटली नॉक करने के लिए मौका ढूंढ रहे। जी हां मिलेगा, साथ ही भी आ जाएंगे करके दिखा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी के लिए मुझे यहां पर तीन ही खिलाड़ी, लेकिन यहां पर देखिए मैक्स वहां पर क्लच गॉड वहां पर नॉकआउट निकाल देंगे, लेकिन बाकी खिलाड़ी कहां पर मौजूद है। यहां पर इसी बीच वेक्सी को भी यहां पर कर दिया जाएगा नॉकआउट, लेकिन एक एक करके गेल का भी सपोर्ट फायर वहां पर मिलेगा। लेकिन जोनाथन, क्या जोनाथन और गेल अकेले खिलाड़ी बचे हुए? जी हाँ जोनाथन एंड गेल अकेले खिलाड़ी, लेकिन ये कहीं ना कहीं जोनाथन यहाँ पे एलिमिनेट होते हुए नजर आ सकते हैं। जी हाँ, लेकिन गाइस जैसे मैंने आपको बता रखा था कि इस गेम में हम यहाँ पर स्विच करने वाले टीएसएम की तरफ से टीम मायावी के ऊपर नॉक मान लिया, वो अपने साथी खिलाड़ी को रिवाइवल देते हैं द्वारा भी वही चीज यहाँ पर करी जाती है कोशिश, क्योंकि उनको पता है वहाँ पर रिवाइवल की प्रक्रिया चल रही है और थर्ड पार्टी होते हुए एंड गॉब्लिन भी खत्म होते हुए नजर आएंगे। टीम फॉरएवर स्टिल सर्वाइविंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू आंसर बैक सेवन के प्लेयर्स के साथ यहाँ पे फाइट होता है। आई थिंक तीनों तीन प्लेयर जिंदा है, एक सिर्फ कैजुअलिटी होने वाला है। यहाँ पर को करके दिखा सकते हैं, लेकिन जी नहीं शैडो ये स्टैक्स की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा मौका नहीं मिला था। प्रिंसेस प्रे गॉड कैरिंग मकियाकी को स्पॉट कर चुके हैं। जी एक रैंडम फायर आएगा, एकी को भी यहाँ पर है। उनके पास क्या कुछ बच रखा है कि नहीं? जी हाँ, उनके पास भी अच्छी खासी फर्स्ट एड वगैरह है, लेकिन उनके पास एक क्रॉस होने के बावजूद भी यहाँ पर वो जीत दर्ज नहीं कर पाए। लेकिन दोनों टीम के द्वारा काफी अच्छा प्रदर्शन एंड here we go, यानी विनर विनर चिकन डिनर जाता हुआ 7C की नाम। टीम नगेट को एलिमिनेट करने का बट क्या क्लच करके दिखा सकते हैं कि नहीं? कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, एक को नॉकआउट निकाला, फिनिश जॉब के लिए भी जा रहे हैं, कंफर्मेशन के लिए वो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं आते टीम नगेट आई एम नॉट टू श्योर वो डैमेज करेगा कि नहीं, बट इन द मीन टाइम सोल यहां पे एक मिनट के ऊपर पुश कर रहा है। इट लुक लाइक इट वाज गॉड लाइक, बट रेड यहां पे नॉक होते हुए नजर आएंगे पीपी की तरफ से, एंड कंफर्मेशन है वो टीम नगेट के ऊपर है यहां पर। जी हाँ, उनको पता है कि उस कॉम्पाउंड में स्काईलाइट पुश करते हुए नजर आएंगे एंड पुकार इज द मैन लीडिंग द चार्ज। एक प्लेयर को नॉक करेंगे बट इमीडिएटली वो आंसर इंस्टेंट नॉक इंस्टेंट फिनिश ऑफ। लेकिन यहाँ पर अगर बात करो उससे गोलियां यहाँ पे बरसा रहते हैं बट उसके बाद खुद नॉक होते हुए नजर आएंगे। बट नियो की बात करेंगे, यहाँ पे दो से तीन प्लेयर्स को स्पॉट किया था बट टीम फॉरएवर इसका पूरा फायदा सर्वाइव कर रही है, टॉप 7 में आ चुके हैं। पहले से तैयार थे तो जरूर चुके हैं, लेकिन मेरे ख्याल से खतरा अभी तक खत्म हुआ है। ट्रॉय वहां पर प्रेयर किया गया, लेकिन अब नेक्स्ट टारगेट वहां पर अब यूपीओपी पर हेरिंगमा को छोड़ के शायद अभी पॉइंट लोकेशन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, बट ट्रॉय स्पॉट आउट हो जाएंगे फाइनली। ही इज लुकिंग फॉर डूइंग द डैमेज, सैगी के ऊपर जरूर डैमेज करेंगे बट साथ देने के लिए अभी थे एलिमिनेट करेंगे। पॉइंट ऊपर आ चुके हैं एंड एक प्लेयर गॉब्लिन को नॉक करेंगे अक्षत के ऊपर फाइट लेते हैं इधर आगे बढ़ाते हैं टीम सोल की। लेकिन एनिग्मा को पता है अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, चले गए हैं दाव बोलने और टीम सोल को फिलहाल के लिए परास्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं टीम सोल से ये चिकन डिनर छीन सकता है। यहाँ पर एरिक्बा गेमिंग प्यू प्यू, मुझे लग रहा है कि शायद ये सिचुएशन अब 1v1 में आ चुकी है। बढ़िया मौका है, पीओपीओ आगे चले जाइए, रिवाइवल की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अगर अभी नहीं गए तो शायद यहाँ पर 1v2 करना पड़ेगा। मौली मेरे ख्याल से वोल्टा आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा और अगर दूरी तैयारी होती तो शायद ये नॉकआउट मिल सकता था, बट यहाँ पर अभी भी खतरा नहीं टला है। डिस्ट्रैक्शन दे रहे हैं, फुटस्टेप से डिस्ट्रैक्शन दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या एक जबरदस्त क्लच आ पाएगा, गन स्विच करनी पड़ेगी, नॉकआउट निकालना है, दूसरे को भी यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश यहाँ पर कर भी नोट पे आएगी, लेकिन क्या कर पाएंगे कोशिश अभी भी यहाँ पर और ट्राई नाइस ट्राई बोल सकते हैं। लेकिन ये विनर विनर चिकन डिनर छीन दिया गया, काफी अच्छी कोशिश, लेकिन टीम एनिग्मा गेमिंग यहाँ से लेके चलेगी काफी अच्छी कोशिश। खिलाड़ी जरूर हो जाएंगे क्योंकि पहचान कौन के पास बहुत कम एचपी बचेगा, बट लुक एट नेक्सस इमीडिएटली वाइड पीक करते हुए नेक्सस एलिमिनेट करेंगे एंड कहीं ना कहीं पहचान कौन अभी आ चुके हैं, बट आई थिंक ही इज अ लिटिल बिट टू लेट इनटू द फाइट। बहुत ही शानदार 1v1 क्लोज रेंज एनकाउंटर के खिलाड़ी हैं और इसीलिए आगे बढ़ते हुए यूएमपी के साथ एंड नॉक मेडिकल से करने की कोशिश करेंगे एक शानदार जंप शॉट के साथ पुकार को नॉक करने के लिए। सुनामी के पास आ चुके हैं न्यू प्लेयर, ही शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू पिकिंग दिस एंड फिनिशिंग ऑफ द फाइट। अगेन वही सवाल, व्हाट इज द नीड,
Why are you doing it? Exactly, players है, number है, साथ में रजार नहीं किया उन्होंने, जिसके वजह से प्रिंस खत्म हो जाए नजर आया, but Kevin making a one-way two. समझे की बात की जाए, they're on the back foot straight away, दो players आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, दो players cover में थे, shots देने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, बात हम कैसे उनको एक opinion दे सकते, they're just making their own opinions here, और इतना शानदार खेल रहे हैं चैनोक, but चैनोक इतना छोटा मैप है जिसकी वजह से टीम्स को मजबूरी में लेके आता है उनके लिए. Exactly, Celsius points चाहिए यहाँ पे टेबल टॉप करने के लिए मौका, but the entry was not good, soul स्पॉटआउट हो जाते हैं सेंसी के हाथों, एंड एक प्लेयर को आई थिंक एक नहीं दो प्लेयर को नॉक करेंगे, स्नैक्स वहां पे गॉब्लिन को कंफर्म करते अपने सारे दोस्तों की, यहीं पे खत्म हुई थी सोल की टीम, यहीं पे दो प्लेयर नॉक हुए थे, अंदर गए थे, यहां पे उन दोनों की भी उन्होंने क्रेट्स लूटी, एंड देन दे मैनेज टू गेट द सेकंड, उनके पास भी जो इतना ज्यादा फिनिशर्स एंड प्लेसमेंट नहीं मिला, एंड दे कुड हैव एक्चुअली इवन क्लोज्ड इन द गैप, बहुत जल्दी पता चल जाएगा जैसे हम ओवर स्टैंडिंग की तरफ जाएंगे, बट फाइनली जो विनर विनर चिकन डिनर आता हुआ TSM के नाम. अपने प्लेयर्स को कहता यूटर्न ले लीजिए, यहाँ आने का कोई फायदा खास उनको होने नहीं वाला, बता रहे हैं प्लेयर सीधा स्लैम करते हुए आपको नजर आ जाएंगे, डरने का जज्बा एनिग्मा में क्लियरली देखने को मिलता है, बट उनके एक और प्लेयर नॉक कर दिए जाते हैं, इटली इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, इवो इटली क्या यहाँ पे कुछ मैजिक कर सकते हैं, दो प्लेयर्स कलर्स के भी डाउन है, DBS एक बहुत बड़ा वेपन, एक बहुत बड़ा एडवांटेज पुकार के पास था जिसका फायदा उनको अभी नहीं मिलेगा क्योंकि नॉक है वो, सोमराज के पास वेपन नहीं है, उजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश, एक 1v2 क्लच यहाँ पे करके दिखाना पड़ेगा, बट इटली वुड बी टेकन डाउन विद द पिस्टल एज वेल, व्हाट जस्ट हैपेंड देयर, अ सेकेंडरी वेपन, देखिए इसलिए हम बात कर रहे थे यहाँ पे कहीं ना कहीं टीम्स को फायदा उठाना पड़ेगा, बट दूसरी तरफ भी फाइट होते हुए नजर आएगा, दैट्स गोना बी वेलोसिटी एज वेल एज केमिन, वेलोसिटी का रश आएगा एंड केमिन के एक एक प्लेयर्स करते हुए एलिमिनेट करते हुए नजर आएंगे, बट उस बीच एक तीसरा फाइट देखने के लिए मौका मिल रहा है, दिस इज एक्चुअली अ कैपिटलाइजेशन जो स्काईलाइट्स फाइट की थी एनिग्मा के साथ उसके ऊपर फाइट करने के लिए आ चुके, बट जोनाथन ऑन द फोरफ्रंट उनके पास वेपन नहीं है, बट फिर भी उसी को बचाने के लिए गाड़ी आया था, बट वो गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज खाया दूसरी प्लेयर को स्पॉट करते तो डार्क लॉर्ड उसका भी फिनिश लेने में शुरू हो चुके हैं, नेट की बारिश यहाँ पे होती है, नेट परेड यहाँ पे करा जा रहा है, नेक्सस में भी द लास्ट मैन स्टैंडिंग शॉट लेने की कोशिश, वो उनके तरफ एंड वही होता हुआ नजर आया, नूब स्टार्टिंग इट ऑफ, नगेट को नॉक करेंगे इमीडिएटली, प्रो को भी यहां पे नॉक करते हुए नजर आएंगे, केविन आखिरी खिलाड़ी यहां पे आखिरी उम्मीद बच जाएंगे, बट इस बीच फिनिश के ऊपर जा रहा है, केविन इज नॉट मेकिंग एनी नॉइज, बट फाइनली स्पॉट आउट हो जाएंगे, तीन प्लेयर्स यहां पे घेर लेंगे एनटीटी के साइड में, एंड फाइनली एनटीटी गेटिंग देयर विनर विनर चिकन डिनर